तो आज हम आ चुके हैं फिर से माया वी एसएमपी के अंदर। तो पिछली बार ही आप लोगों को याद होगा कि हमने देखी थी एक बहुत ही बड़ी हीरो ब्राइन और एंटिटी थ्रीज ग्रोदरी की सेना, पर आज की वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला था जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो डोरमामू और ग्लीच एंटिटी मुझे स्पाई करते हुए देख लेते हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। हमारा लाइक एम है 25 लाइक्स, तो फटाफट से कर दो, मिलते हैं वीडियो के अंदर। अरे पगलटे की क्या कह रहा है भाई, मतलब ये देख रहा है एंटिटी 303 और हीरो ब्रांड की सेना कैसे। हाँ बगला भाई, डोरमामू सेना बना रहा है वो भी हीरो ब्रांड और एंटिटी 303 की। हाँ पावरफुल है पगला भाई, मैं कैसे तैसे बच के आया हूँ, बट मुझे पता नहीं चला यार, किसी ने मुझे बचाया वहाँ से, मैं बच के कैसे निकला पता नहीं चला मुझे। अरे समझ आ गया मुझे, माइंड फ्लेयर ने बचाया होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सेना का क्या करें अब। वही यार, माइनक्राफ्ट गॉड से बात करते हैं यार। अरे लेकिन माइनक्राफ्ट गॉड है किधर, है ही नहीं इधर। हाँ पगला भाई, माइनक्राफ्ट गॉड नहीं है। अंदर बैठे, अंदर बैठे। मैं आ गया था, क्या वो बताओ, तुम थोड़े ऐसे परेशान लग रहे हो। हम बहुत मुसीबत से यहाँ पे बच के आए हैं। देखो ये एचके पुरुष ठीक होके आ गया और ये एंस्टर भी आ गया जहाँ ग्लिच एंटिटी इसे लेके चला गया था पता नहीं कहाँ। अरे माइनक्राफ्ट गॉड में आ गई है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। अरे मिस्टर टाइम इतने दिनों के बाद कहाँ थे आप इतने दिन से। अरे मिस्टर टाइम बहुत अरे मिस्टर टाइम, तू एकदम सही टाइम पे आयो, मैं आपको सब बताता हूँ क्या हुआ है। माइनक्राफ्ट आप भी सुनना ठीक है। देखो क्या होता है, मेरे को किडनैप कर लेता है ग्लिच एंटिटी, डोरमामू मुझे कैद कर देते हैं एक प्रिजन के अंदर, फिर मेरे को किसी अनजान कोई आता है और मेरे को आके बचा लेता है, मेरे को बाहर निकालता है, और मैं वहाँ से बाहर निकलते ही पता नहीं एक ऐसी जगह पर जाता हूँ और वहाँ पर मेरे को एंटिटी 303 और हीरो ब्रेन की पूरी सेना दिखती है। ओ भाई तो ये बात है, अच्छा सुनो एंटिटी, तो फिर मैं जाके देख के आ रहा हूँ क्या हो रहा है, मुझे वो जगह नहीं पता है। अरे मिस्टर टाइम आप चिंता मत करो, मुझे पता है जगह, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ, तो अभी निकलना ही पड़ेगा। वहाँ जा रहे हो तुम, पागल हो क्या, पागल हो गए हो क्या भाई। अरे मिस्टर टाइम पगला भाई, मिस्टर टाइम है वो, उनके पास टाइम स्टोन है ना, तो हम बच जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं, हम पूरी जानकारी लेके आएंगे। भाई का ध्यान रखना ठीक है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। आ जाओ मिस्टर टाइम, निकलते हैं, लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मिस्टर टाइम एक काम करो, मेरे पास ड्रैगन है तो मैं ड्रैगन से निकलता हूँ, आप कैसे आओगे मुझे ये बताओ। तुम मेरी चिंता मत करो, बस वहाँ पहुँच जाओ, मैं आ जाऊँगा। अच्छा आप आ रहे हो क्या, अच्छा ठीक है, मैं निकल रहा हूँ ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए मैंने, तो अभी फटाफट से वहाँ तक पोर्टल तक पहुँचना पड़ेगा कैसे भी करके, और हमको फटाफट से डोरमामू के कासल जाना पड़ेगा और सारी चीज़ें जाननी है, वापस बतानी है मुझे। यार मैं पोर्टल तक तो पहुँच गया हूँ यार, ऑलमोस्ट यहीं कहीं पे होना चाहिए, ओ दिख गया पोर्टल यहीं पर है यार, पोर्टल तक पहुँच गया हूँ। अभी मिस्टर टाइम कहाँ रह गया यार, वो समझ नहीं आ रहा। मिस्टर टाइम यहीं पर है क्या। अरे मिस्टर टाइम, अरे यार पता नहीं कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, चलो फटाफट निकलते हैं, डोरमामू के कासल चलते हैं, आ जाओ। तू ध्यान रखियो अपना, पहले बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा ध्यान रखियो अपना। हाँ हाँ इसलिए मैंने आर्मर पहन के ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 2 1 ओ आ गए मिस्टर टाइम। अरे मिस्टर टाइम वही जगह ही है। हाँ वही जगह है, बट अभी इधर से थोड़ी दूर है, वैसे इधर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फटाफट से निकलते यहाँ से, आ जाओ फटाफट। चलो हमें मुझे वो जगह देखनी है। आ जाओ मिस्टर टाइम। यहाँ से कितनी दूर है रास्ता, वो यहाँ से काफी दूर है वैसे, बट मुझे रास्ता पता है तो उसका कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। यार मिस्टर टाइम जगह यही कहीं पे थी यार, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रही है कहाँ पर है। काम करो मिस्टर टाइम, तुम यहाँ से सीधा जाओ, मैं इस साइड को जाता हूँ, सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एकदम छुपके से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे जितना लग रहा है कि अभी ना आसपास ही है, तो थोड़ा छुप के जा रहा हूँ, मैं मेन रोड से नहीं जा रहा, साइड से चल के जा रहा हूँ, ठीक है तुम भी वही करो। ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा हुआ है कि मैं और मिस्टर टाइम आए तो थे साथ में, पर अभी हम हो चुके अलग, क्योंकि हमको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मिस्टर टाइम आगे की ओर चले गए और मैं राइट साइड मुड़ गया हूँ। तो अभी देखते यार, अगर रास्ता मिल जाता है तो फिर मैं मिस्टर टाइम को कॉल आउट कर दूंगा।
यार घूमते घूमते काफी टाइम हो गया, बट मुझे अभी तक मिस्टर टाइम के बारे में कुछ पता नहीं चला, ना ही नहीं मुझे वो जगह मिल रही है। यार क्या करूं अभी पता नहीं। यार इधर से ही आवाज आ रही है, क्या हुआ मिस्टर टाइम, आ रहा हूँ मैं। ओह शिट, क्या हो गया होगा। अरे यार मिस्टर टाइम मैं आ रहा हूँ, क्या हुआ आपको। ओ मिस्टर टाइम, मिस्टर टाइम मैं आ चुका हूँ। हमारी हिम्मत कैसे हुई डोन मामू के कासल में आने की। ओ शिट, तुमने सोचा भी कैसे यहाँ आने की। तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन अब तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे जिंदा, क्योंकि अब तुम्हारी मौत आई है। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। व्हाट मिस्टर टाइम, शिट मिस्टर टाइम तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर टाइम मैं रुको, मैं तुमको नीचे उतारता हूँ। मिस्टर टाइम, मिस्टर टाइम ठीक तो हो ना तुम, क्या हुआ तुम्हें। तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहूंगा। आखिरी क्या हुआ। ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये है क्या, ये टाइम स्टोन है। ये टाइम स्टोन तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पर आप ठीक तो हो ना। नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मुझे अब जाना होगा। प्लीज सबको बता देना मेरे बारे में कि मैं आखिरी दम तक लड़ा हूँ, आखिरी सांस तक लड़ा हूँ। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, किसी के हाथ बताने मत देना ये। प्लीज बिल्कुल लो, प्लीज बिल्कुल। पर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तुम्हें खुद देखना होगा। अरे अलविदा। मिस्टर टाइम, मिस्टर टाइम चले गए। अरे ये किसका आवाज है। पीछे देख। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं है तू यहाँ पे है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू कर भी क्या लेगा। अब तू यहाँ से वापस जाएगा, पता है तुझे वहाँ तेरे दोस्त नहीं मिलने वाले हैं। क्यों, मेरे दोस्त को क्या हुआ। मैंने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उन्हें होना चाहिए था। अब मैं चाहता हूँ तू वापस जाए और देखे अपने दोस्तों को मरते हुए, और तुझे पता लगे डोर मामू की ताकत का। अरे फिर तुम डरोगे उनसे। मैं यही चाहता हूँ बस, जा जा अपने दोस्तों के पास। अरे ग्लिच एंटिटी भी चला गया। अरे यार ये क्या बोल रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है यार। मिस्टर टाइम को क्या हो गया पता नहीं चल रहा यार, और ये मुझे टाइम स्टोन दिया यार। अभी इसको मेरे को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, बट मुझे पता नहीं अब यार अब मैं क्या करूंगा यार। मेरे दोस्तों को क्या हुआ यार, ये ग्लिच एंटिटी क्या बोल रहा है। मैं जल्दी फटाफट वापस जा रहा हूँ यार, मुझे अब ना यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है यार। मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे मिस्टर टाइम को लाना ही नहीं चाहिए था यार, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी यार। तो यार काफ़ी टाइम हो गया, मैं इधर से बाहर निकल ही रहा था और मेरे को ये सीढ़ियाँ मिली, तो मैं सीढ़िया से ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है डोर मामू के मेन कासल तक का रास्ता है, पर अभी मुझे पता नहीं है। मैं इधर आ तो गया हूँ, बट अभी फंस ना जाऊँ यार। ये कहाँ पर आया हूँ यार, नीचे कुछ है क्या। और नीचे ये डोर मामू, ओ शिट। और ये ग्लिच एंटिटी आया। डोर मामू मैंने मिस्टर टाइम को मार दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैंने एचके फ्रॉस्ट को भी उसके ठिकाने लगा दिया है, अब वो भी हमें परेशान नहीं करेगा। और अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा तो पगलाटेक भी जल्दी मारा जाएगा। पगलाटेक को छोड़ दो, पगलाटेक को तो मैं तड़पा के मारूंगा। और हीरो ब्लाइन और एंटिटी 333 आपके वश में है जैसा कि आप चाहते थे। उनकी तो तेरा बनाऊंगा। तो यार मैं ये क्या सुन रहा हूँ, एंटिटी 303 और हीरो ब्लाइन दोनों उनके वश में है। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, मुझे पगला भाई को जाके बताना पड़ेगा। मुझे ये बात पहले पता क्यों नहीं थी यार। अभी एक काम करता हूँ, और भी बातें सुनता हूँ यार, क्या क्या बात कर रहे हैं। अरे ओ शिट, अरे गोल्डन एप्पल गिर गया, शिट गलती से। अरे ये क्या हो गया। डोर मामू ऊपर एंगस्टर खड़ा है, मैंने उसे जाने के लिए कहा था, वो गया नहीं अब तक। जाओ उसको ठिकाने लगा दो, जाओ। ओ शिट, ये यहीं पर आ रहा है।
फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। शेट 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 शेट, मुझे देख लिया, भागो यहाँ से, ये स्टेयर चढ़ जाता हूँ फटाफट से। ओह शेट, ग्लिच एंटिटी। तुम आने का नहीं ना, अब तुझे मरना होगा।